हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। मीन्स जिन नंबर्स को आप पी बाय क्यू की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, वो रैशनल नंबर होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। सो फर्स्ट देखिए, लिस्ट फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको फाइव रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं माइनस वन एंड जीरो के बीच में। अब आप देखेंगे माइनस वन एंड जीरो, इसके बीच में नंबर तो कोई भी नहीं है वैसे, लेकिन आप इसको कैसे करोगे? इसमें थ्री फॉर्म होती है, एक ये होती है, दूसरी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर सेम होता है, और थर्ड जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय वन हो गया ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब इसमें हमें क्या करना है? माइनस वन बाय वन और जीरो बाय वन, इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने फाइव से, ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए ये। आपसे पूछा गया फाइव रैशनल नंबर, तो आप कोशिश करिए कि एक नंबर एक्स्ट्रा लो, ठीक है। एक बार मैं बताती हूं आपको, माइनस फाइव, वन को फाइव से किया तो फाइव, ये जीरो, इधर फाइव। अब जीरो और माइनस वन, इसके बीच में अगर आप नंबर देखते हैं, बिटवीन बोला है, मीन्स बीच में होना चाहिए, तो ना आप जीरो लोगे ना फाइव लोगे, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। कितने नंबर आए? वन टू थ्री फोर, और हमें कितने चाहिए थे? फाइव। इसलिए आपको जो सेम नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इससे एक नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये मैंने आपको पहले बताया कि आपको सेम नंबर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूं तो बच्चे कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? तो एक नंबर एक्स्ट्रा लेके आप कितना भी ले सकते हो, टेन लो, हंड्रेड लो, थाउजेंड लो, आपकी मर्जी है। ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस सिक्स बाय सिक्स इक्वल टू जीरो बाय सिक्स। अब इसमें फाइव नंबर कौन से हो जाएंगे? फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड वन आर। अब यहां से करेंगे, देखो जीरो और माइनस सिक्स है, मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो माइनस वन बाय सिक्स, माइनस टू बाय सिक्स, माइनस थ्री बाय सिक्स, माइनस फोर बाय सिक्स, माइनस फाइव बाय सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव नंबर्स इसमें हो गए। ऐसे सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड में आप कैसे करेंगे? माइनस टू बाय वन, माइनस वन बाय वन। इसको मान लो मैं टेन से मल्टीप्लाई करती हूं, जितने बड़े नंबर से करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। टेन बाय टेन, माइनस टेन बाय टेन। अब फाइव नंबर आपको लेना है, तो फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन आर, ये वाला नहीं लेना है टेन, माइनस इलेवन बाय टेन, ट्वेल्व बाय टेन। आगे आप कर सकते हो इसको इजीली, जितने भी आपसे पूछे गए हो उतने आप कर सकते हो इसमें। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, माइनस फोर बाय फाइव एंड माइनस टू बाय थ्री। अब इसमें डिनोमिनेटर में भी नंबर है, पहले होल नंबर में था। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ऑफ फाइव एंड थ्री इज 15। एलसीएम लिया हमने
15 को 5 से डिवाइड किया, 3, 3 इंटू माइनस 4, एंड एज इट इज 3 से डिवाइड किया 15 को, 5, 5 इंटू न्यूमरेटर 5 इंटू माइनस 2, देन वी विल गेट माइनस 12 बाय 15, एंड जब हम ऐसे डिनोमिनेटर में पूरा एलसीएम ले लेते हैं तो इसको सेपरेटली नोट कर सकते हैं, एंड माइनस 10 बाय 15, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके बाद आपको सेम करना है, माइनस 12 बाय 15 माइनस 10 बाय 15, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस 120 डिवाइड बाय 150, माइनस 100 बाय 150, अब इसके बीच में नंबर आप अपने आप से नोट कर सकते हो कोई भी, और आंसर अपना मैच मत करना क्योंकि आंसर पीछे जो किया है वो उसने पता नहीं किस हिसाब से किया, कितने नंबर लेके किया, किसी का भी आंसर मैच नहीं करेगा इसमें। सो लास्ट में आपको क्या नोट करना है, 5 रैशनल नंबर्स, 111 बाय 150, 112 बाय 150, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 100 और 120 के बीच में, ठीक है, रिमेनिंग आप अपने आप से कर सकते हो। अब इसमें देखिए ये भी आपको सेम ऐसे ही करना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, एलसीएम लिया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1, एंड 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 2, 3 बाय 6, एंड इसको इधर लिख देती हूं मैं, 3 बाय 6 एंड 4 बाय 6, ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई किसी से भी आप कर सकते हैं, 3 बाय 6 इंटू 10 बाय 10, 4 बाय 6 इंटू 10 बाय 10। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया है, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप होती है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम यहां से करेंगे फिर, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, आगे इसके बाद सोल्व करेंगे, ओके, अब इसके बीच के नंबर कोई भी आप अपने आप से लिख दीजिए। 3 टाइप कौन कौन सी थी, फर्स्ट था जिसमें होल नंबर गिवन थे, फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 लेके और किसी भी नंबर से सेम नंबर होना चाहिए जो कि जितने भी नंबर पूछे उससे ग्रेटर हो, जैसे 5 पूछे हैं तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और फाइंड आउट कर दोगे। सेकंड है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको आपको यहां से करना है मल्टीप्लाई करके। थर्ड क्या है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे बाय टेकिंग एलसीएम, उसके बाद फिर ये सोल्व करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, ये आपके पास पैटर्न गिवन है, आपको 4 मोर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ये रीजनिंग के क्वेश्चन माने जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, 3 बाय 5, 6 बाय 10, इसमें आपको देख के पता चल रहा है 3, 6, 9, 12, तो ये टेबल बन रही है पूरी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 15। नीचे देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, नीचे भी ऐसे टेबल बन रही है, तो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर क्या होगा, 12 के बाद माइनस 15 बाय 25, देन माइनस 18 बाय 30, माइनस 21 बाय 35, माइनस 24 बाय 40, 4 रैशनल नंबर। इसमें देखिए माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3,
ठीक है, ये इस टाइप से है, तो इसमें क्या होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 4, 8, 12, तो इसको आप ये डायरेक्ट ना करके इसको एक स्टेप और कर लेना, यहां पे -5 by 5, ठीक था ये, -15 by 25, ये कैसे आया है वो वाला और नोट कर लेना, -3 by 5 into 6 by 6, ठीक है, पहले ये नोट करना उसके बाद ये नोट करना। अब इसमें देखो, इसमें क्या पैटर्न मिलेगा, -1 into, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 4 से और 4 को 4 से, तो ये हमारे पास क्या है, -4 by 4, 4 = 16, फिर इसको 5 से करेंगे, -5 by 20, -1 by 4 into 6 by 6, -6 by 24, देन 4 बोला है हमें तो 1 by 4 into 7 by 7, -7 by 28, दिस इज आवर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में है। एक चीज याद रखिए कि माइनस है जो साइन वो डिनोमिनेटर में ना रखे, हमेशा बीच में आ जाता है डिवाइडिंग लाइन पे, -1 by 6, -2 by 12, -3 by 18, -4 by 24, ओके, इसमें भी सेम ऐसे ही, -2 by 3, -2 by 3, -4 by 6, -6 by 9। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें पैटर्न चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 6 2 = 12, 3 = 4, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स -1 by 6 लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब 4 तक मल्टीप्लाई हो चुका है 5 से, 5 by 5, -5 by 30, -1 by 6 into 6 by 6, that will be equal to -6 by 36, -1 by 6 into 7 by 7, -7 by 42, -1 by 6 into 8 by 8, तो -8 by 48। देन सेम इसमें करेंगे हम, हमने ये टर्म ली -2 by 3, अब देखो इसमें ये दोनों टर्म सेम है, अब आप बोलोगे कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा, ये पैटर्न कौन सा है कि इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -2 by 3, तो ये वाली टर्म लिखी हुई है, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, अब हमें किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है ये, तो -8 by 12, फिर -2 by 3 को 5 से करेंगे, -5, 10 by 15, -12 by 18, -14 by 21, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई विल डू ओनली वन पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट में आपको क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, ओके। तो इसमें जैसे हमने किया, -2 by 7 है, तो यहां पे 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2 by 7 आर -2 by 7 into, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, -4 by 14, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, इसमें आप कुछ भी लो आपकी मर्जी है,
मान लो मैंने 10 से किया ये, तो माइनस 20/70, जरूरी नहीं आप ऐसे ही लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 3/3 माइनस 6/21 इंटू 4/4, 4 2 8 माइनस 8/28, दीज आर इक्विवेलेंट नंबर, ओके। एंड रिमेनिंग टू पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको डिवाइडिंग लाइन पे लेके आना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। 3/4, 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो इसमें आप नंबर लाइन ऐसे लेंगे, मिडल में ये जीरो लिया आपने, प्लस में है ये, प्लस में है, लेकिन लेना है आपको दोनों साइड में, ठीक है। तो ये आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें एक चीज क्या याद रखना है, आप जो लोगे ये इक्वल स्पेस के ऊपर होना चाहिए, ओके, ये इक्वल स्पेस पे होना चाहिए स्केल से करोगे। अब आपको लेना है 3/4, तो ये आ गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये ऐसे चलेगा, फिर आएगा 5/4, 6/4। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, 3/4 लेना है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/4। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे 4/4 आया है, यानी बिल्कुल सेम आया है, जब इनको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप लेंथी कर दोगे और यहाँ पे 1 नोट करोगे। ऐसे ये 6 7 8, 8/4 जब हम लेंगे तो ये क्या आ गया, 4 1 4 2 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। इसको भी ऐसे लेंथी करना है, ओके, ये आपको करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए, -5/8, तो नंबर लाइन पे माइनस वाली साइड में -5/8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1/-है ये, तो माइनस वाला जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ये हमारा 5/8 हो गया, ये सर्कल करना है आपको। फिर 6/8, 7/8, 8/8, अब 8/8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ओके, ये करना जरूरी है। देन -7/4, नंबर लाइन आपको लेनी है, ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, -1/4, फिर ये 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आएगा ये, तो ये वाला पॉइंट आप लेना -7/4। अब उससे पहले 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, 4/4, -4/4 क्या होगा हमारे पास, -1, ये भी माइनस होगा, -1, ओके। यहाँ पे ये लिखोगे 7 के बाद, यहाँ 8 पे क्या आएगा, -2, ओके। नाउ रिमेनिंग फोर्थ पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, कि कौन सा पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। सो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, वी गेट माइनस, यहां से मैं ये 9 जाएगा न्यूमरेटर में, 21 जाएगा इधर न्यूमरेटर में, तो -7 × 9 एंड 3 × 21, -63 एंड 63, क्या ये दोनों सेम है, माइनस भी है या प्लस है, तो ये क्या है, नॉट सेम रैशनल नंबर। इजी है ये,
सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग, माइनस ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 16 इंटू माइनस 25 एंड 20 इंटू 20। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 25 सिक्स जा 150, देन 25 प्लस 15 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 आ गया, एंड 20 इंटू 20 400। तो ये दोनों इक्वल आ गए, जिसमें ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो उसमें लिखेंगे यस दीज आर सेम रैशनल नंबर, ऐसे करना है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आपको कट करके ये लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सो माइनस 8 बाय 6, दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, तो डिवाइड बाय 2, दोनों में सेम नंबर होने चाहिए और, तो डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आया, माइनस 4 बाय 3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके, ऐसे आपको करना है। सारे क्वेश्चन आप अपने आप से आई थिंक कर पाओगे। अब एक पार्ट और बता देती हूं मैं, 44 माइनस 44 बाय 72। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आपको ऐसे कट करना आता है तो उससे भी कर सकते हो। पहले 2 से डिवाइड किया क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, देन वी विल गेट माइनस 22 बाय 36। अगेन ये डिवाइड हो रहा है, तो माइनस 22 बाय 36 डिवाइड बाय 2। अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो, माइनस 11 बाय 18। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। अब इसमें भी आप सेम करेंगे, ये आपको आता भी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ब्रैकेट ये यूज किया मैंने बॉक्स, 2 इंटू 7 ये ऐसे मल्टीप्लाई किया। ओके, देखो न्यूमरेटर में होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर को आप लेके जाओगे, माइनस 15 बॉक्स 7 2 14, विच वन इज ग्रेटर, 14 इज ग्रेटर, सो ये साइन आ जाएगा। ओके, वैसे इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, लेकिन आप इससे करिए, इससे भी आ जाएगा आंसर। इसमें देखिए, माइनस 4 बाय 5 माइनस 7, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाइंग करना है पहले, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, माइनस 4 इंटू 7, देन माइनस 5 इंटू 5, माइनस 28 माइनस 25, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर आपको डिसाइड करना है, और ये आपको पता है कि अगर माइनस में हम इंटीजर्स लेते हैं तो माइनस वाले जो स्मॉल होता है वो ग्रेटर होता है, तो ये 28 और 25 दोनों के सामने माइनस है, मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर्स है, सो जो 25 है वो ग्रेटर होगा। ओके, नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है, विच वन इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सेम आपको ऐसे ही करना है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसमें 2 इंटू 2 एंड यहां कॉमा एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 4 एंड 5 3 15, विच वन इज ग्रेटर, जो राइट हैंड साइड में नंबर है दैट इज 5 बाय 2 इज ग्रेटर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, फिर इसमें देखिए,
7 3s are 21, 22, 23, minus 23 by 7. 5 3s are 15, minus 19 by 5. Cross multiply karenge. Cross multiplying. Minus 23 into 5 and minus 19 into 7. 5 3 is a 15, 5 is a 10, 11. Minus 115 and minus 19 7 is a 133. Which one is greater? Minus mein hai, ye bhi dhyan dena. So minus mein ye wala number greater hoga. 3 to 2 by 7 is greater. Okay. Now question number 10. Write the following rational numbers in ascending order. अब देखिए थ्री नंबर्स है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेना होता है फिर सोल्व करना होता है. लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की फिर जरूरत नहीं होती. और ये देखिए माइनस में है, माइनस माइनस माइनस. अब ये आपको पता ही है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अगर माइनस नहीं होता तो 1/5, 2/5, 3/5 ये ऑर्डर होता, लेकिन माइनस है तो माइनस में ये एज इट इज रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है ये. असेंडिंग ऑर्डर माइनस 3/5, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वो नेगेटिव में सबसे छोटा माना जाता है, तो ये हो गया. ठीक है, माइनस 3/5, माइनस 2/5, माइनस 1/5. माइनस में ये सबसे बड़ा नंबर है लेकिन ये सबसे छोटा है. ओके, देन सेकंड पार्ट में 1/3, माइनस 2/9, माइनस 4/3. इसमें एलसीएम लेंगे हम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3/9, दैट इज 9. 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू 1, देन 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू माइनस 2, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू माइनस 4, देन वी विल गेट 3 माइनस 2 माइनस 12 डिवाइड बाय 9. अब इसका असेंडिंग ऑर्डर आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर आ गया ये, असेंडिंग ऑर्डर. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, माइनस 12/9. अभी 12/9 नहीं लिखना है, माइनस 1/5 लिखना है, देन माइनस 2/5 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 1/3. ओके, नाउ थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.